ठीक है बंद हो गया बंद हो गया। ओके जी टिक टिक आवाज कर। हेलो सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडी होस्ट ते दोस्त मोनी गिल। सत श्री अकाल नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ कुलदीप गिल ते तुसी देख रहे हो जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल। जी हाँ बहुत टाइम हो गया सी मिस्टर गिल नू अपने नाल चिल करांदे होए। सो फाइनली मिस्टर गिल आ गए ने मेरे नाल और असी आज चिल बहुत खास गेस्ट नाल करन वाले हैं। पहला उन्हां दा वेलकम कर लिए कुलदीप। श्योर। सो लो जी ए जी हैगे ने सूफी साबरी सूफी ब्रदर्स वन ऑफ माई फेवरेट क्योंकि पिंकी पारस ने जदों तो इन्हों साडे नाल इंट्रोडक्शन दिती तो उदों तो ही मैं इन्हों काफ़ी फॉलो करना शुरू किया। लो जी ज़्यादा डिले ना करिए और उन्होंने अपने नाल असी शामिल करिए। सो लो जी पाने असी स्काइप ते सूफी ब्रदर्स। हैलो जी सत श्री अकाल सलाम कैसे हैं आप दोनों। हेलो जी सत श्री अकाल वालेकुम सलाम। सो एक तो बैठे हैं जो लंबे बाल वाले हैं वो है इरशाद। सो इरशाद एंड दूसरे जो हमारे साथ थोड़े से चब्बी से मेरे जैसे गोल मटोल से वो है दिलशाद भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है माई टीवी पर। आपको भी बहुत धन्यवाद बहुत नवाजी शुक्रिया। थैंक यू जी। तो आज आप दोनों पहली बात तो बहुत अच्छे लग रहे हैं नजर ना लगे। आई विश कि आपकी मम्मी होता उनसे मैं कहूँ कि काला टीका लगाएं आप दोनों को। बिल्कुल। सो मिस्टर गिल कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज अमेरिका में बैठे हैं और आपसे लाइव बात कर रहे हैं। ये कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है इट्स लाइव। ये अजमेर में इंडिया सिटी में लाइव बैठे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले आपको रमजान की मुबारक हो मेरे भाई। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और आप दोनों भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सो साबरी साहब मुझे थोड़ा सा पता लगा है, हम जब बात कर रहे थे कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि आपका जो घराना है वो पिछले 800 साल से कवाली गा रहा है। जी। सो मतलब कि 800 साल से सिर्फ कवाली गा रहे हैं कि कुछ और भी? नहीं, गुज़िश्ता 800 साल से हमारे घराने में यही काम है सूफीज़्म का। और हम जो हमारी फैमिली बिलोंग करती है वो सरवाट शरीफ यानी कि जो गरीब नवाज के बड़े साहबजादे हैं ख्वाजा फखरुद्दीन औलिया उस दरबार के हम हमारे घराने के पगड़ीबंद हम लोग कवाल हैं। हमारे बुजुर्ग वहाँ की पगड़ी उनके उनको मिली है और उनकी खिदमत में आई है और तकरीबन हम यही हमारे घराने में 800 साल से कवाली का काम है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। वाह तो कमाल। आपके घर में कौन कौन इस में शामिल है? भाई बहन है क्या है? थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं अपने बारे में। हमारे यहाँ पे ये बहने तो नहीं लेकिन हम लोग 6 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले जब वालिद मोहतरम ये काम किया करते थे तो वो लोग 7 भाई थे तो उनका पूरा ग्रुप था। उसके बाद में जब वो माशाल्लाह सबके अपने अपने बच्चे हुए तो सबका अपना अपना ग्रुप हो गया तो सारे भाइयों के जैसे 7 भाई थे तो उनके भी अपने ग्रुप और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना ग्रुप। तो इस तरह हम लोग 6 भाई हैं कवाली में ही हैं सब लोग। दिलशाद भाई हैं उसके बाद फिर नौशाद साहब से आपकी बात है ही फिर मैं हूँ फिर एक भाई तबला बजाते हैं फिर बाकी सारे साथ में गाते हैं। तो सबसे पहले आपके फादर साहब के साथ किसने जुगलबंदी किसने शुरू करी आपने के दिलशाद भाई ने? हाँ पहले जुगलबंदी तो अलग चीज है। मुझे हारमोनियम की तालीम दी। हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हमारे घर के अंदर हमारे जो घराने में सबसे ज्यादा जिन्होंने सबको तालीम दी जितने यानी कि हम हमारे चाचाओं के ताओ के बच्चे हैं उनको हारिन चिश्ते साहब हमारे चाचा जो है जो कि अभी इस वक्त कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं हमारे साथ में तो ये उन्होंने हमें तालीम दी। सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया फिर उसके बाद में इरशाद ने किया फिर उसके बाद में उमर शाह साहब भी हमारे भाई हैं उन्होंने किया गुलशाद ने फिर मेरे शाह तो तबले पे हैं अभी मुर्शाद साहब भी सारी चीज़ करते हैं मैनेजमेंट को भी देखते हैं तो ऐसे साथ के साथ हमने सबको धीरे धीरे जिससे जिसके हिस्से में जो आता गया वो उससे ज्वाइन किया। तो आपके पिताजी का नाम क्या था पूरा बताएंगे जरा सब? जी उनका नाम है हाजी मोहम्मद इकबाल शाह साहब। क्या बात। वाह जी। तो अभी आप कहाँ पे क्या कहते हैं सेवा कर रहे हैं या कहाँ पे आप
कहाँ पर बेस है आपका, कौन सी दरगाह? हम लोग हैं इस वक्त सरवार शरीफ में, जो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिले में कवाली सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैली, तो उनके सबसे बड़े साहबजादे यानी उनके बेटे, उनकी दरगाह है यहाँ, हम वहाँ पर सेवा करते हैं। और इस वक्त तो लॉकडाउन का टाइम है, तो हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं घर में। नहीं, अच्छी बात है सर, एक दूसरे की सेवा करके अगर थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो अभी हम इसको अगले पड़ाव पे लेके चलते हैं। तो आपने कवाली घराने से कवाली, अब थोड़ा सा कुछ कवाली गा के हमें बताएंगे कि कवाली एक्चुअल है कि? बिल्कुल, सबसे पहले जो कवाली का जो सिलसिला है और कवाली में जो जो इब्तिदा है कवाली की, जो कौले रसूल अल्लाह है, वो उसको फिर हजरत अमीर पाक ने तरतीब दिया है, वो आपको सुनाते हैं। जो तरीका भी है कवाली का आगाज करने का, उसके बाद फिर दीगर जैसे जैसे फरमाइशें होंगी लोगों की, जैसे जैसे होंगे फिर वो सब। तो सबसे पहले आपको कॉल सुनाते हैं, ठीक है? अच्छा, पहला कॉल I'm
क्या बात है क्या बात बहुत कूल Thank you.
आजा क्या बात।
कहा जाता है, उनको अल्लाह की तलवार कहा जाता है, हिम्मत वाली से मुख्तार कहा जाता है, हिम्मत वाली से मुख्तार कहा जाता है, हिम्मत वाली से मुख्तार कहा जाता है, तेरी शान से बाकी है जमाने वाले, तेरी शान से बाकी है जमाने वाले, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। मुझे लग रहा है कि मैं इंडिया में किसी दरगाह पे ही बैठी हूँ, और स्पेशली इस रमज़ान के महीने में जितने भी हमारे मुस्लिम देश विदेश बैठे हैं उन सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, और स्पेशली आप दोनों को, आपके पूरे परिवार को जो आपके साथ संगत भी कर रहे हैं, उनकी चाहे शक्ल नहीं दिख रही थी लेकिन पीछे से उनकी आवाज़ें क्या ज़बरदस्त सुर में गाया सबने, सबके लिए पहले तो तालियाँ माई टीवी की तरफ से। सर बहुत कम ऐसा वक्त होता है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते बोलने के लिए, और आज मेरा वो वक्त है कि आज मेरे को वाकई लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपकी तारीफ़ कैसे करूं। और तबला भी सुभान अल्लाह, तबला भी क्या ज़बरदस्त, मतलब क्या क्वारंटाइन में क्या आपने टाइम बांधा है सर, इसको बोलते हैं क्वारंटाइन में टाइम बांधना। और वाकई मुझे लगा, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे वाकई लगा कि मैं किसी दरगाह पे बैठा हूँ और अल्लाह वाकई नज़र आ रहा है मेरे को। ये आप लोग खुद बहुत अच्छे लोग हैं, म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उस फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, तो ये आपकी सबकी ज़रा नवाजी है। हमारी पूरी ये फैमिली है, जो तबला बजा रहे थे वो भी छोटा भाई है, बाकी जो कोरस कर रहे थे साथ में रिपीट कर रहे थे वो भी छोटे भाई हैं, और यहाँ हमारे चाचा बैठे हैं जो पीछे से आपको कीबोर्ड की आवाज़ आ रही थी वो हमारे अंकल हैं, और हमारे उस्ताद भी हैं, बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, तो ये पूरी फैमिली है। ने कौन सी उम्र से शुरू किया, मतलब के दिलशाद भाई से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बड़े दिलशाद भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिलशाद भाई सबसे बड़े हैं। तो कितनी उम्र से आपने अपने डैडी के साथ, या कब से आपने शुरुआत करी कवाली? तकरीबन 6 साल की उम्र से अपने वाले साहब के साथ में हूं, और बचपन से मुझे शौक था म्यूजिक का, क्योंकि फैमिली एक जो फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं तो वो फिर वो एक मिसाल है ना, क्या है मच्छी के तो वो बस ऐसे माहौल रहा शुरू से ही, तो अभी तक तो अभी भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन कोशिश है बस अल्लाह करे कि इस काबिल हो जाएं कि कुछ आगे कर सकें। ये अच्छे आर्टिस्ट की निशानी है ऐसा ही कहना। कभी ऐसे सोचा था कि अगर मैं कव्वाल ना होता तो क्या होता? ये साइंटिस्ट होते जी काम। अगर कव्वाल स्कूल में जाता तो साइंटिस्ट होता। ये पहला साइंटिस्ट होता जड़ा वाज्या का साइंटिस्ट होता। तो फिर जो आपने तालीम ली, आप मतलब पूरे परिवार ने, जैसा कोई तबले पे है, जैसे दिलशाद भाई आपने कहा कि आप पहले तबले पे थे, तो फिर ये आपको सिखाता कौन था, वाजा किने सिखाया, तबला किने सिखाया, और गायकी, ये तीनों अलग अलग टाइप का म्यूजिक है, ये कैसे सीखा आपने? हमारे जो उस्ताद हैं जो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ, हारून चिश्ती साहब, उन्होंने हमें बताया कि हारमोनियम की तालीम उन्होंने दी, और गाना तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो तमाम उम्र आता ही नहीं, तो मैं ये कह नहीं सकता कि मुझे गाना किसने सिखाया या मुझे आ गया, बस ये मेरे वालिद साहब का सबका है, उनकी दुआओं का सबका है, उनकी जूतियों का सबका है, जो भी कुछ हमारे पास में है, जो टूटा फूटा जो आता है। और वैसे मैं गंडावरम शागिर्द जो किंग ऑफ कव्वाल साबरी ब्रदर्स गुलाम फरीद साबरी मकबूल अहमद साबरी, क्योंकि उनसे अच्छी कव्वाली, मकसद कव्वाली तो सभी पढ़ते हैं लेकिन जो एक आदमी की अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, तो मैंने जब ये रिसर्च किया कि कव्वाली अगर सीखी जाए या किसी से मालूमात ली जाए, तो फिर मुझे वो साबिर ब्रदर्स से अच्छा कोई नहीं लगा, फिर मैंने उनसे गंडा बनवाया, मैं गंडा बन शागिर्द हूं मकबूल साबरी साहब। वाकई सही है, अगर आप कुछ ना बनते तो साइंटिस्ट बनते, क्योंकि आपने अभी का मैंने रिसर्च की थी तो रिसर्च साइंटिस्ट ही करता होता है। हर चीज पे जब तक
एक प्रॉपर वे में ना मालूम किया जाए तो वो काम सही नहीं है, सही और बिना गुरु ज्ञान भी नहीं मिलता प्रॉपर। सो आपके जो दूसरे भाई साहब है जो साथ में इरशाद साहब, मुझे लगता है आप तो मॉडल ही बन जाते सर अगर कवाल ना होते तो। तारीफ हो गई अंदरों, कह रहे हैं तो सोना लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी जरा नवाजी है। बस ये असल में फैमिली में गाना था और जो वालिद थे उनकी नहीं, पहले शुरू में उनकी नहीं ये ख्वाहिश थी कि हम लोग भी गाना बजाना करें, लेकिन वो होता है ना फैमिली में हारमोनियम तबला घर पढ़ाई में दिल नहीं लगा इस वजह से। पर जब घर में हारमोनियम हो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, नहीं लगता मतलब स्कूल गए थे क्या? नहीं गया था, ऐसी बात नहीं है, स्कूल तो गया था, पढ़ाई की हुई है। छुट्टियां मार के को कभी मैं स्कूल के इस तरफ से निकल जाता था, कभी मैं स्कूल के उस तरफ से निकल जाता था, अंदर नहीं गया बस। मेरे स्कूल में मैं लेट जाता था, बहुत देर से पहुंचता था, तो जो हमारे हेड मास्टर थे ना उनको म्यूजिक का बहुत शौक था, वो मुझसे कहते थे गजल सुना दो तो आ जाओ क्लास में बैठ जाओ। इस तरह ये हमारे खानदान में भी ऐसा हो चुका है। वाह जी वाह, ऐसा बहुत अच्छी बात है। अच्छा पीजे तो पूरी फैमिली ही सारे गा ही रहे हो जी, आप तो सारे गा ही रहे हो, पंखा भी साथ में गा रहा है अभी पर गर्मी इंडिया में बहुत गर्मी है ना, राजस्थान में किसी का नहीं नहीं चल रही चल रही दो सर, इट्स ओके, बिल्कुल सही का कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया राजस्थान में और राजस्थान की गर्मी जो जिन्होंने देखी है उनको पता है कि बड़ी सख्त गर्मी है वहाँ की, बिल्कुल बहुत बहुत सख्त गर्मी है। तो सर फरमाइशें ऐसे आ रही हैं, कमेंट्स इतने आ रहे हैं, हमारे टीवी के लोग देख रहे हैं, हमारे मामा जी अमर सिंह जी ह्यूस्टन से देख रहे हैं, मेरी मम्मी सुबह से मेरे कान खा गई है, कदों आएगा कदों आएगा ये रहो, तो मम्मी भी बहुत लोग देख रहे हैं, तो अब ज्यादा वक्त नहीं लेते, अब कुछ और ऐसा हो जाए कि आज की शाम आपकी शाम है, हमारा दिन है, आप ही के नाम है, तो कुछ हो जाए, अब क्या आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, हम आपको एक कवाली दुनिया का बहुत मशहूर कलाम सुनाते हैं जो हमारे भाई के उस्ताद घराने का है और वो बहुत पसंद आया इंशाल्लाह। वाह जी वाह, बहुत अच्छी। Oh, that's...
जन्नत दी दवाना Thank you.
सारे कलाम बहुत ही तवील हैं, इतने लंबे लंबे हैं कि अगर एक एक कलाम पढ़ा जाए तो दो दो घंटे के एक एक कलाम है, लेकिन मुख्तसर करके ताकि थोड़े थोड़े सब कुछ पढ़ा जाए। नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई मीन लिटरली जैसे कि हमारे पास वर्ड्स नहीं इस वक्त कि हम क्या कहें, इतना सुरीला और कमाल दोनों भाइयों की आपस में बंदिश, जो टीम वर्क है ना बहुत तगड़ा है, जैसे सचिन तेंदुलकर और सहवाग ओपनिंग करते थे ना वैसे लग रहा है मुझे ये। अरे अरे बहुत शुक्रिया। तो प्रैक्टिस घर में रियाज वगैरह करते हैं, कैसे करते हैं सारे रोज खुद करते हैं? आप ये समझ लीजिए सुबह रियाज, दोपहर में, शाम, 24 घंटे सिर्फ रियाज चल रहा है, और आजकल तो रियाज ही चल रहा है बस। तो आजकल जो है ना फैमिली वाले भी परेशान हो गए कि बेटा थोड़े दिन रियाज बंद कर दो। तो मैं मानता हूँ कि भाइयों में बहुत प्यार होता है, लेकिन बचपन में कभी ऐसा हुआ कि कुसोन्मुख के शुरू हो गया आपस में, दे चक दे मंजी प्लेटा उड़ रही ने घर में, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, इतना जबरदस्त प्यार कभी नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी हो। बात प्लेटों और जूतों तक नहीं पहुंची, अल्लाह ना करे, ये प्यार नहीं, ये तो एक अलग ही मामला है। होती है बचपन में लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन वो एक तरफा हुई है, जैसे अगर बड़े भाई से हुई है उन्होंने मार लिया तो छोटे का काम फिर पिटना ही है, दूसरा कोई अच्छा, मतलब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसने ये कहना हाँ ठीक है भाई चलो। तो ऐसी वाली लड़ाइयां हुई है बचपन में, अब अल्लाह का शुक्र है अपनी होती है। चलो गुड गुड। तो एक एक बात बताओ, बाकी ये सब तुम दोनों में से कोई कुकिंग भी करता है, कुछ खाना वाना बना लेता है आपस? जी मैं खाना बना लेता हूँ, और अच्छा दोनों चीजें अलग हैं, ये खाना बना लेते हैं, मैं खाना खा लेता हूँ। वो नजर आ रहे हैं, पता लग रहा है। ये ज्यादा मेहनत का काम, हमारे में थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारे घर में भी यही सिलसिला है, खाना बनाने का काम मेरा है। जी जी मैं देखता रहता हूँ खाना बनाने का, कभी आप भगवानी चिकन, कभी कुछ, आपके तजुर्बे कारियां चलती रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ। नहीं नहीं असल में हुआ क्या हमारे साथ कि जब मेरी शादी हुई ना इसके साथ, तो इसने पूछा मुझे कि तुम्हें खाने में कुछ बनाना आता है, तो मैंने बोला चाय और अंडे की भुर्जी। तो बोली इसके अलावा? मैंने बोला इसके अलावा तो कुछ नहीं मैंने बनाया। तो इसने पहले 6 महीने मुझ पर सिखाया मुझे कि ऐसे चिकन बनता है, ये बनता है, वो बनता है। तो जब आटे पे आई तो मुझे समझ में आ गया ये तो मुझे रसोई में घुस रही है, बस आटा नहीं बनाना सीखा, लेकिन इस क्वारंटाइन में मैंने रोटियां बनानी फिर सीख ली। अरे वाह क्या बात है। तो ये आटा गूंद लेते हैं आप? ये गूंद लेती, वो मुझे ही करना पड़ता, वो नहीं सीखा, बाकी सब कुछ सीख लिया सर। तो वो 6 महीने की जो मेहनत इन्होंने कराई वो इनके जिंदगी भर काम आ रही है। हाँ, अभी तो अभी आपकी शादी होगी? नहीं भाई की हो गई। किस किस की हो गई शादी घर में? भाई आपकी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रसोई में अगर बीवी बुलाए तो मत जाना मेरे भाई, सिर्फ खाने के लिए जाना। ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा तो अभी आपका इरशाद नेक्स्ट, आप इनके बाद आप है ना? नहीं इनके बाद सीरियल वाइज नंबर नौशाद साहब, इनके बाद है ये नौशाद साहब। नौशाद बहुत सारे काम करते हैं, स्पेशली इनके पेपर वर्क जो भी होता है, या कोई लीगल काम होता है, या कोई शो बुकिंग होती है, तो वो सब वो हैंडल करते हैं। बेसिकली मैनेजर। हाँ। सो अगर आपको पकड़ना हो, आपका शो कराना हो, तो लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमसे तो कांटेक्ट नहीं कर सकते, नौशाद साहब से हो सकते हैं वो, उसके लिए। हाँ तो कैसे, कोई फेसबुक पे पेज है? फेसबुक पे पेज है और फेसबुक अकाउंट है, उसमें सारी डिटेल है, कांटेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है उसमें। तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास, बिल्कुल जो यूएसए में रहने वाले लोग हैं वो सबसे पहले आपको करें कांटेक्ट। जी और मैं ये ऑडियंस को जो हमारी इस वक्त देख रही है उनसे ये डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि ये बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, जैसा कि बताया 800 ईयर प्लस, 800 साल प्लस साला तो ये करते आ रहे ने, ते ये बड़ी अच्छी गल है, क्योंकि जड़ी धरोहर मैं पंजाबी और हिंदी उर्दू मिक्स गल्ली, तुसी पंजाबी च गल करो, मेनू आंदी है थोड़ी जी। आहा क्या बात है, क्या बात।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਸਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦਰ ਬੱਚੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਟਿਊਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਬਲੇ 'ਚ ਕੀ ਵਜਣਾ ਹੈ ਵਾਜੇ 'ਚ ਕੀ ਵਜਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰੋਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਕਵਾਲ ਦੇ ਧਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗੀਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਕਵਾਲੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪੋਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਓਰਿਜਨਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਥ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਰਾਨੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਜਿੰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਆਫ ਕਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਾਹਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਰੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲੇ ਵੀ ਆਪ ਗਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਗਜ਼ਲੇ ਵੀ ਗਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਆਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਝਲਕ ਸੁਣੂੰਗੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਜ਼ਲ ਨਾਈਟ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਕਵਾਲੀ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਵਾਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਯੂ ਨੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੋਰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ 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 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਪੌਪ ਹੋਵੇ ਰੌਕ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਸੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣੇ ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਗਾ ਲੈਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਕਾ ਜ਼ੋਨਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਵਾਲੀ ਜ਼ੋਨਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਵਾਲੀ ਗਾ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਵਾਲੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਕਵਾਲੀ ਗਾਣੇ ਤੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਸਕੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਵਾਲ ਕੋ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੋ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਗਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਪੌਪ ਵੀ ਗਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾ ਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸਕੇ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਉਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾ ਪਾਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਾਲੀ
की हुई है अच्छे तरीके से और कवाली का रियाज किया हुआ है तो उसके लिए गजल गाना इवन क्लासिकल भी गाना वो कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो हम लोग सब करते हैं। आप जी सिखाते भी हैं अगर कोई सीखना चाहे? बिल्कुल सिखाते हैं, हमारे जो हमारी कवाली है बेसिकली लोग सीखते भी हैं, काफी सारे शागिर्द हैं पूरी दुनिया से, लोगों को ऑनलाइन भी क्लास दी जाती है तो वो म्यूजिक सिखाया भी जाता है। और उसके अलावा ठीक है, मेरे जो अंकल हैं जिनका जिक्र हमने पहले भी किया हारून चिश्ती साहब, वो भी म्यूजिक सिखाते हैं, उनका अपना स्कूल है बाकायदा म्यूजिक का गुजरात में। क्या बात, तो ये सिलसिला। अच्छा, नहीं मैंने गजल की बात की लेकिन मैं चाहूंगी आप पंजाबी दी कोई कवाली सुनाओ, गजल किसी और दिन, कोई पंजाबी दी कवाली याद है? कोई बात ही नहीं, बुल्ले शाह कलाम समाप्त फरमाइए आप, फिर के बाद कर क्या। चलो जी तरफ के जा तो हद
फादर, थैंक यू। क्या बात है, मजा आ गया। शायद मैं पंजाबी स्पीकर हाँ या पंजाबी लिसनर हाँ, तो वह मैं बहुत बहुत मजा आया। और उस्ताद नुसरत फतेह अली तो मैं सुनया होया और बिल्कुल मैं नहीं लग्या कि तुसी कुछ घट गाया। अमेजिंग, बड़ी फ्रैशनेस है पिछों, आवाज़ जी आ रही है बहुत सुरीला। तुहाडा भरा केड़ा गा रहा है मैं पता नहीं, लेकिन बहुत ये है हमारे भाई गुलशाह साहब फिटोर। क्या बात है, पहले तो हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, ये तालियां आपके लिए। और थोड़ी मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप भी बहुत सारा नाम और शोहरत कमाने वाले हैं। वाहेगुरु करे उधर नाल दौलत भी कमाओ। कई कई सुर आपने, खैर नौशाद और दिलशाद भाई बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन बीच में से अगर कोई अजीब सी कोई मुर्की ऐसी लगती है और ऐसी कोई रूदारी दिखाते हो तो बड़ा दिल खुश होता है और अच्छी बात है। कभी कभी ऐसे देख लो जी, रूदारी की ऐसी बात करिए कि कैमरा भी हाथ में आ गया। कोई बात नहीं, क्वारंटाइन का टाइम है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, कैमरे सब घर के बंदे जी, वहाँ पर भी घर का स्टाफ बैठा हुआ है। बिल्कुल सारा यहाँ पे जितना भी स्टाफ है घर का है, और दरअसल वो भी फोन बीच में वाइब्रेट होने की वजह से गिरा। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी गायकी, जैसे मोनी ने तारीफ की दोनों भाइयों की, उसी तरह ये हमारे जो छोटे भाई साहब हैं, ये भी कमाल। गुलशाद आपने कहा ये आगे से हाथ हटेगा तो कुछ बात बनेगी, वो अपनी तकदीर दी, तकदीर दी लकीरें दिखा रहे हैं। ओके, मेरी तकदीर जी शादी कदों होनी मेरी, याद दसो। सो गुलशाद जी आप 1 2 3 थर्ड नंबर के फोर्थ नंबर पे? मैं फोर्थ नंबर पर,
बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, वैसे अगर आपकी बात की जाए तो आपको कौन सा म्यूजिक ज्यादा पसंद है, क्या सुनते हैं आपके फ्री टाइम में? मैं फ्री टाइम में उस्ताद मुसा फजल अली खान साहब को सुनता हूँ और उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ। क्या बात, मेरे फेवरेट जी। और इरशाद, आपका कौन सा फेवरेट है? जी मैं बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो आप बहुत किस्म के गाने गा रहे हैं आजकल। जी मैं सबको ही सुनता हूँ, जितने गाने वाले लोग हैं, अच्छे लेजेंड लोग हैं, जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब और उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब और गुलाम अली साहब, इन सबों को, उस्ताद सलामत अली साहब, सबको सुनता हूँ। और हर एक आजकल के जो सिंगर्स हैं उनको भी सुनता हूँ, ताकि हर एक सिंगर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं हर किस्म के म्यूजिक सुनना और गाना पसंद करता हूँ। मुझे मतलब ये नहीं है कि किसी एक जगह पे टिक के काम करना है, नहीं, हर चीज सुनना पसंद करता हूँ और कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अच्छा, एक अभी रैकेट राउंड आने वाला है आपके ऊपर, फेवरेट सिंगर बॉलीवुड का कौन सा है, फीमेल भी हो सकती है? बॉलीवुड के जो सिंगर्स हैं, मैं यार फिल्में हम सब देखते हैं, हमने तो पूरी क्वारंटाइन टाइम में पूरा बॉलीवुड की पुरानी से लेकर नई फिल्में देख छड़ी हैं। जी जी, मैं बॉलीवुड के जो अगर पुराने की बात करें तो मुझे लता जी बहुत पसंद है, उनका गाना, और अभी तक मतलब कोई ऐसे सिंगर है नहीं कि जो उनको मात दे सके। मैं उनको ही पसंद करता हूँ, जब से मैंने होश संभाला उनको सुनता हूँ। लेकिन अगर अभी जी उनके गाने, और सुनिधि चौहान फीमेल अगर बात करें तो उनको पसंद करता हूँ। मेरी भी फेवरेट सुनिधि चौहान है, बड़ी बुलंद आवाज है उसकी, जिसको कहते हैं। दिलशाद भाई, आप? मैं तो बड़े आपका फेवरेट उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ। क्या बात है। पुरानी सिंगरों में मोहम्मद रफी साहब को, मेहंदी हसन खान साहब को सुनता हूँ। बाकी सभी अच्छे हैं इस दुनिया में, और जब ज्यादा ही कुछ अच्छा सुनना होता है तो मैं खुद को सुनता हूँ। अपनी प्रमोशन भी खुद हो रही है। गब्बर को सिर्फ गब्बर ही मार सकते हैं। अपने अपनी पसंद की बात है, मुझे जब कुछ ज्यादा गहरा सुनना होता है तो मैं अपने आप को सुनता हूँ। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी, क्योंकि अपने आप को सुनकर ही पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, और कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक चीज हम और इस प्रोग्राम के बीच में रखना चाहेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज के बहुत दो बड़ा नाम जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और एक अरसाए दराज तक उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छे काम किए, ऋषि कपूर साहब। हम बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं इरफान खान साहब के लिए। ऋषि कपूर साहब का तो आज ही इंतकाल हुआ है, हम दुआ करेंगे कि भगवान उनकी रूह को शांति दे। और इरफान साहब, ये बड़ा नेक महीना है, बड़ा अच्छा महीना है हमारे धर्म के अनुसार। तो मकसद, जो आदमी इन दिनों में जाते हैं तो वो सीधे जन्नत में ही है। बिल्कुल सही। तो मैं चाहूंगा जितने देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, और हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, और ईश्वर उनके लिए अच्छा करे, स्वर्ग में उनके लिए सबसे अच्छी जगह हो। बिल्कुल, स्वर्ग में भी अच्छी जगह हो, और पीछे जो परिवार रहेगा उनको भी सहने की शक्ति जमी रहता। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात दिलशाद भाई आपने कही, क्योंकि यही बताता है कि आप बड़े और मैच्योर हैं। जो हमारे इंडस्ट्री को इतने सालों से एंटरटेन करते आ रहे हैं, वो सडनली छोड़कर चले गए, और इसी से पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब चली जाए, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए कि ज़िंदगी दर उनका नाम रहे। मुझे नहीं लगता कि इनका नाम, दोनों का नाम कभी भी इंडस्ट्री से गायब होगा, हमें हमेशा ही फ्रेश, हमेशा याद दिलाता रहेगा उनकी जो नाम है। उन्होंने जाते जाते ऐसा नाम करके गए हैं कि ता जिंदगी उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि आजकल आफ्टर, जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, सबसे पहली चीज आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले हम गरीब नवाज जाएंगे, ख्वाजा फखर सरकार की बारगाह में जाएंगे। उसके बाद में इस साल प्लानिंग थी, वैसे तो मैं उम्र पे पहले भी गया हूँ, लेकिन इस साल रमजान में जाने की ख्वाहिश थी,
फैमिली के साथ, तो देखते हैं अब अल्लाह को क्या मंजूर होगा कब ये सारे मामला होते हैं। इंसान की तो बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, लेकिन ये कोरोना वायरस ने कितने से वायरस ने बता दिया कि जो मैन पावर है वो उसके हाथ में। तो अब हम तो बहुत सारे इसने ये भी सिखा दिया जी कि घर में बैठकर आप अपने आप को कैसे बिजी कर सकते हैं, ये भी सिखा दिया कोरोना ने। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वक्त ऐसा भागता है, स्पेशली हम जिस कंट्री से हैं, यूएसए अमेरिका में बैठे हैं, और वाशिंगटन डीसी बिल्कुल कह रहे अमेरिका का घर है पूरा, तो उत्थे इतनी मेहनत वाला देश है, यहाँ पर कोई घर में बैठने वाला है नहीं, यहाँ कोई वेला नहीं बैंदा, तो तभी भी इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में सडनली एकदम से हम लोगों को एडजस्ट होने में भी टाइम लग गया, क्योंकि आदत पड़ गई अकेले रहने की, बहुत आदत पड़ गई है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद रब ने यह मौका दिया है कि हम सारी फैमिली इकट्ठे बैठकर फिल्में देखते हैं, गाते बजाते हैं, जैसे आपने कहा कि आप भी पूरा परिवार गाते बजाते रहते हैं, ऐसा ही हमारा भी यही हाल है, कभी खाना बना लिया, कभी खा लिया, कभी गार्डनिंग कर ली, क्योंकि कुछ और करने को है ही नहीं, बाहर जा नहीं सकते, कभी ड्राइव कर ली, लॉन्ग ड्राइव कर ली। तो आपके जो उस्ताद साइड पे जो हारमोनियम बजा रहे थे आपके चचा जी, वो नजदीक है? हाँ बिल्कुल नजदीक, आप उनको इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को इंट्रोड्यूस कराएं थोड़ा थोड़ा। जी जी कराता हूँ सब, मैं आपको सबसे पहले जो तबला बजा रहे थे मेरे भाई उनसे मिला। हाँ जी, इनको तो जरूर बुलाएं, सबसे छोटा है ना। हाँ हाँ सबसे छोटा बेटा, ध्यान से आना इस दफा, थोड़ा सा क्या है बेटा कैमरे में तुमने ही आना है, नीचे मत देख देना कैमरा। ये मेरे शाह साबिर साहब हैं जो, क्या बात है, ये तो बहुत यंग है। हाउ ओल्ड आर यू? 16 17 17 ओ माय गॉड, अरे ये अभी इतना तैयार है तो ये बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा ये लड़का, और कितना बड़ा होगा भाई। तो आप कौन सा? आप बेटा अपना नाम भी बताएं। जी मेरा नाम मीरशाद है। मीरशाद, तो मीरशाद आप गाते भी हो थोड़ा बहुत? गाते तो नहीं है, बस तबले बजाते हैं, बजाते भी क्या सीख रहे हैं बस। नहीं गाना भी सीखो, आपके तो खून में है, 800 साल से आपका घराना गाता आ रहा है, तो आपके ब्लड में है। नहीं गाना, इसका पूरा यूज लेना। गाना गाते हैं लेकिन मकसद उस लेवल पे नहीं गाते कि चार लोगों के सामने गा सके गाना। भी बहुत यंग हो, गा सकते हो, बहुत यंग हो ना? पहले एक को बिठा के सुनाना शुरू करो, फिर धीरे धीरे दो चार हो जाएंगे। हाँ। तो और आगे क्या करने का इरादा है, फ्यूचर क्या देखते हो? बस बिल्कुल फिर भाइयों के साथ ही तबला करने का। क्या बात है भैया, मेरे ये बाल कहाँ से कटा के लाए हो तुम? क्या काटे ही नहीं है बड़े टाइम से? काटे ही नहीं है बस बड़े टाइम से ऐसा स्टाइल में राहुल रॉय याद आ गया, उसके लंबे लंबे बाल थे आज की फिल्म में आया था ना। हाँ। बस एक महीना और ना काटे तो वहीं पहुंच जाओगे बाप, आज की वाले जोन से पहुंच जाएगा। चलो बहुत तो, अच्छा बहुत लेकिन खुशी एक, एक जरूर एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी म्यूजिक घराने से हूँ और हमारे घरानों में भी ऐसा ही चलता है जो रागी परिवार से जुड़े हैं, कि यंग बच्चे जो तबला बजाते हैं या बाजा बजाते हैं साथ में कोरस करते हैं, तो वो लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं ज़रूर चाहूँगी आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, चाहे कॉलेज ना जाएं या घर पे ही पढ़ाई शुरू करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, देखिए जी फील्ड तो कोई भी हो उसमें एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, कोई भी फील्ड। आप तो रिसर्च करके बैठे हैं। जी हाँ, कोई भी फील्ड हो अगर आपकी एजुकेशन, क्योंकि आप अपनी फील्ड में भी आगे जब भी जा सकते हैं जब आपके पास में एजुकेशन हो, तहजीब होगी, तमीज होगी, तजर्बा होगा। अगर वो नहीं है तो उसके मकसद ऐसा नहीं है, वो पहले के दौर हुआ करते थे कि लोग मकसद, अब म्यूजिक भी जो है वो उस लेवल पे चला गया कि आप जब तक आपके पास में एजुकेशन नहीं है तो आप समझ ही नहीं सकते एक और में इतने सारे, बिल्कुल ना आप सिक्वेंस समझ सकते हैं, ना म्यूजिक को समझ सकते हैं, ना कीबोर्ड को, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो हर चीज में एजुकेशन जरूरी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पूरी फैमिली, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, सब अल्लाह की मेहरबानी से सब एजुकेटेड हैं, और मेरे वाले सब खुद माशाल्लाह बहुत हाई फाई उनकी क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा उन्होंने, और उसी तरीके से हमें भी उन्होंने इस फील्ड में पेश किया है, पहले पढ़ाई फिर उसके बाद दूसरी चीज है। क्योंकि हम भी जब यंग हुआ करते थे ना, दिल बिल्कुल नहीं करता था कि सुबह उठ के स्कूल जाएं, क्योंकि रात में 3-4 बजे सोते थे म्यूजिक सुनकर, तो सुबह दिल बिल्कुल नहीं करता था कि स्कूल जाएं,
तो वो चीज़ कभी रिग्रेट होती है कि आई विश कि और कुछ कर लेते, आई विश कि ये भी किया होता, वो भी किया होता, ये कोर्स किया होता, वो कोर्स किया होता. लेकिन अब जाकर समझ में आता है, जब जवान होते हैं तो मम्मी को बहाना मारते हैं, नहीं मम्मी मैं आज नहीं जाना, आज मैं बीमार. मेरा बेटा भी ऐसी करता है, वो बड़े बहाने मारता है कि आए आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मेरा ये दुख रहा है. तो ये इसलिए मैं क्या, क्योंकि आप म्यूज़िक घराने से, तो मैंने इसलिए ये सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं कि दिल नहीं करता क्योंकि रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनी काइंड ऑफ एजुकेशन ज़रूर कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो आप अभी यंग जनरेशन, अभी तो शुरुआत है, 17 वेरी यंग, बहुत यंग है ना. मेरा बेटा जो छोटा वाला है वो 15 साल का है, तो मेरे बेटे जैसे की उम्र के ही हो. तो डेफिनेटली पढ़ाई, चाहे कंप्यूटर सीखो, एनी काइंड ऑफ कोर्स जरूर करें. ये दिल से एक बहन कह लो या माँ स्वरूप कह लो कोई, तो ये दिल से एक है कि जरूर आप कंटिन्यू करें, क्योंकि ये इतनी अच्छी धरोहर है. म्यूजिक तो आपके ब्लड में है और भाइयों के साथ प्यार, इतना प्यार करते हैं आप, सबसे छोटे तो प्यार भी ज्यादा मिलता होगा. बस एक बात जरूर कहूंगा कि अपने भाइयों का साथ मत छोड़ना. बहुत खुशनसीब वो परिवार होते हैं जहाँ सारे भाई, सारी फैमिली इकट्ठी रहती है, और ऐसे जब परिवार को मिलते हैं और वो भी खानदानी परिवार, तो खुशी होती है कि सब साथ में रह रहे हैं. अच्छा एक अभी फनी सवाल करने वाली हूँ, हाँ, क्योंकि बड़ा सीरियस सा माहौल हो गया, मुझे चाहिए पढ़ाई का नाम सुन के सब सीरियस हो जाते पसीने छूट गए बेचारे के पढ़ाई का नाम सुन के. ऐसा हुआ है कभी गुस्सा आया हो और प्रैक्टिस आप लोग रियाज कर रहे हैं तो कहना मैं नहीं बजाना तबला, दफा हो, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन तबला कभी नहीं छोड़ा. कुछ भी हो जाए लेकिन बजाना है. शो मस्ट गो ऑन. तो चलो ठीक है, और कौन से भाई हैं आसपास में? अब हमारे पास अच्छा लगा आपसे मिलकर. हमारे हारून चिश्ती साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अंकल हैं, वो सारा माहौल चेंज कर देंगे, आपको कॉमेडी की दुनिया में भी लेके जाएंगे और हारमोनियम भी सुनाएंगे और बहुत बहुत सारी कॉमेडी तो साडे अंदर वड़ वड़ के गई है. अल्लाह ने हमको म्यूजिक के अलावा और भी बहुत सारी चीजें दी है, वो समाज फरमाई. आइए चल चल तशरीफ लाइए. ये हमारे उस्ताद हैं, हम सबके मकसद, हमसे मुराद हमारी फैमिली के नहीं, जितने हमारे ताया चाचा के बच्चे हैं उन सबको म्यूजिक की जो तालीम दी है वो इन्होंने दी. अच्छा जी, क्या बात है, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है माई टीवी पर आपका. वेलकम, धन्यवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया. ये इनकी मोहब्बत है, अच्छी बात है. हम कुछ भी नहीं है, ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह इनको और नवाजे और आपको भी मालिक खुश रखे. थैंक यू जी. और कितने सालों से आप खुद गाते आ रहे हैं और सिखाते आ रहे हैं? देखिए साहब, हमें ही अभी तक कुछ नहीं आई, इनकी मोहब्बत है. सीखना और गाना बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, और इसको करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है. अब इसी बात को आप अमिताभ बच्चन साहब के अंदाज में समाप्त फरमाइए. ये नॉटी है और ये इनकी मोहब्बत है. वैसे इन्होंने कहा है तो मैं आपको सुना ही देता हूँ, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है. जी, रिश्ते में तो हम इनके बाप के भाई लगते हैं. वाह, ये नया कार्यक्रम आपके कार्यक्रम में उपस्थित हो गया है. शुर। मगर ये इनकी प्रेम भावना है, इनकी मेहनत है, और ये जो आज दिखा रहे हैं प्रोग्राम, हम तो कल भी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं है. क्या बात, वाह जी वाह, क्या बात है. बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है. हर किसी बात को बात नहीं कहते हैं, क्योंकि बात मुश्किल से बात होती है. वाह, क्या बात, क्या बात है, बातों ही बातों में आपने क्या बड़ी बात कर दी सर. अमेजिंग. आप तो मुझे दखते भी अमिताभ बच्चन के. अरे अभी मुझे झलक आने लगी सर, चश्मा वश्मा दाढ़ी वाड़ी सब सेट लग रहे. ये तो आजकल क्या है कि माह रमजान चल रहा है, तो इसलिए कुछ ऐसा ही होलिया बन गया है, वरना कहाँ वो इतने बड़े कलाकार, हम कहाँ है इतने से छोटे से. बिल्कुल भी, ये मुझे सर अपनी बोली बोली प्लीज. अपनी फील्ड में सभी सभी कलाकार, आपने जो ये बच्चे ट्रेन किए हैं इतने सारे, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है, मुझे बताइए. ये इनकी जर्रा नवाजी और मोहब्बत है, और इनके अंदर ये खुलूस है, इनके वालिद साहब की मोहब्बत है सारी. ये हम तो आज भी कुछ भी नहीं, थोड़ा सा अब बहुत कुछ. ये संगीत जो है बड़ा ही, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा. Sure, please, sir. Please, 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 please.
बात है। हाँ जी, हाँ जी, मैं झूठ बोला कहना है कि मैं झूठ बोला ते क्यों बोला मेरा कम कर दे नाड़िया बोला ते तू बोला मेरा कम कर दे नाड़िया सारी दुनिया देख के दर मुर्शद तो ये बुजुर्गों की अता है उनकी दुआ है क्या बात हम कुछ भी नहीं है नहीं सर आज बाजे पर देखकर और इतना तैयार बाजा आपका और इरशाद का सुनकर मुझे आज अपने दादा साहब की आवाज़ मेरे अपने दादा की आवाज़ याद आ गई है मेरे दादा बहुत अच्छा पूरी बरादरी हमारी म्यूज़िक से जुड़ी है लेकिन मेरे दादा जो हैं वो बाजे में बहुत तैयार थे बहुत तैयार तो आपने आज मुझे उनकी याद दिला दी दरबारा सिंह उनका नाम था इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन आपने आज उनकी याद ताज़ा कर दी थैंक यू शुक्रिया बहुत बहुत नवाजिश आपकी कि आपने इस लायक समझा मालिक आपके दादा को हमें जन्नत में स्वर्ग में ठिकाने मैं बैंजो भी टूटा फूटा बजाता हूँ बैंजो ये लेके जाते रहते हैं बजाओ ये बैंजो है अभी जी जी बैंजो है मेरे पास में नहीं अब अभी है नहीं यहाँ मौजूद है अभी तो मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा था चलो नेक्स्ट टाइम जो अगली बार फिर बैंजो भी सुनेंगे बिल्कुल रमजान के बाद फिर कुछ और रोधारी वाली चीजें भी सुनेंगे कुछ थोड़ा सा सुनाओ ना उस्ताद बैंजो ईद आई ते सोना याद ईद आई ते सोना यार कहना है कि ईद आई ते सोना यार नहीं आया सोना यार नहीं आया ते शाला खैर होवे होदे दम दी हार सिंगार चंगे नहीं देखिए खर्च का ये आप सुर सुनिए ये मालिक की देन है हार सिंगार चंगे नहीं किसी से अगले नहीं जंग ताने मारे सहेलिया सारा दिन गुजारा हाँ हाँ बहुत अच्छे क्या बात बहुत अच्छे बहुत अच्छे बयार परी सुनाया ना दे तो ईद होवे किसी कम वाह जी वाह बाबा पी थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद इन्होंने अचानक मुझे बुला लिया मैं तो रोजा खोल के घर में था कहने लगे आ जाइए सुलिए में चलिए मैं ठीक है सर ये आपकी जर्रा नाम अच्छे शागिर्द की निशानी है नहीं सर ये अच्छे शागिर्द की निशानी है तभी आप इतने अच्छे हैं दिलशाद कहना है कि मेरी बहुत शुक्रिया मेरी जुस्तजू ही क्या है ये तेरी नवाजिशें हैं मेरी ज़ौक़े बंदगी को तेरा आस्ता मिला है ये सही के पुर खता हूं मगर हूं तो तेरा बंदा तू अगर मुझे निभा ले तेरी बंदा परवरी है ये जो गुजरबान दीन है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दर के हम लोग गुलाम हैं और उन्हीं का सबका है बच्चे टुकड़े खा लेते हैं कमा लेते हैं अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे बहुत खुश हुई आपको देख के कहना है कि सैकड़ों दर्द मंद मिलते हैं मगर काम के लोग चंद मिलते हैं और आजकल जो हालत है उसके साथ साथ है कि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं काम के लोग चंद मिलते हैं जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं हाँ 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 बहुत अच्छे क्या बात है और बंद पे समाप्त फरमाइएगा कि काबे का दर है बंद हकीकत बात है ये काफी अरसे से मैं सुन रहा हूँ ये शेर व शायरी 40 साल से और आज ये मौजू हुआ है
कहना है कि काबे का दर बंद, कलीसा का है दर बंद, या रब मैं किधर जाऊं, इधर बंद उधर बंद, सैयाद के घर जाके मेरी खुल गई आंखें, दो चार इधर बंद थे, दो चार उधर बंद, दो चार उधर बंद। क्या क्या बात है। पिंकी पारस आज घर पे, मतलब हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, लेकिन वो शेर व शायरी बहुत एंजॉय करती। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी ये बताएं दिलशाद भाई, और कौन कौन हम लोग चार भाइयों से मिल लिए, कौन सा रह गया? नौशाद है। दो रह गए नौशाद। हाँ, नौशाद जो हमारा सारा फेसबुक और ये सारी चीजें हैंडल करता है जी। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, धन्यवाद। कौन बनेगा करोड़पति सर, मुझे आपको देख के याद आ गया, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लग रहे हो मुझे। नौशाद साहब तशरीफ लिए हैं। हाँ जी, आपने बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले लिया। क्या बात है, बाल शाल बंद क्या है अभी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नौशाद से, नौशाद और उसके बाद एक और कौन सा भाई रह गया? ओ, एक भाई मिसिंग है, एक भाई और है, उनकी तबीयत ठीक है, वो आराम कर रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं, नहीं। उनका क्या नाम है? उनका नाम है उमरशाद साहब। हाँ जी, मैनेजर साहब। सबके नाम के साथ शाह लगा हुआ है। शाद, 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 हाँ, लास्ट नेम। कुलदीप भाई आप ठीक है? हाँ जी सर। अब ये बताएं कि लोग, आप लोगों को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मैनेजर हैं तो आप बताएं किस जगह पे कांटेक्ट करें, कॉन्सर्ट्स कराना है? फेसबुक पे हमारे ऑफिशियल पेज है, साबरी सूफी ब्रदर्स, दिलशाद दिलशाद साबरी, और उसके अलावा गूगल पे हमारे कांटेक्ट की डिटेल्स है। अच्छा। हमारे नाम से जो हमें सर्च करेंगे तो उसमें हमारी तमाम डिटेल्स हैं विद बायो। और ठीक है, इरशाद साबरी साहब ने पिंकी पारस जी के साथ भी एक सॉन्ग गाया है, फिर उसके बाद जी बिल्कुल, फिर एक सॉन्ग और गाया है। एक नहीं, मैंने तीन सॉन्ग किए उनके साथ जी, लेकिन दो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। एक तो काला बाती है, एक मैं की करा, तीसरा कौन सा? और एक और है वो आ रहा भी, वो भी रिलीज नहीं हुआ, वो रिलीज होना है, टप्पे होते हैं ना। चलो अच्छी बात है, हां वो किया है। उसके अलावा हमारी जो जो कव्वाली, हमारी जो फील्ड है उससे रिलेटेड जो हमारे, हेलो, चलो अपने क्या कहते हैं एल्बम जो है वो रिलीज किए हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली जो काम है वो हमारा कव्वाली का है, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। उसके अलावा तो हम तमाम चीजें करते हैं, सूफी तो हम करते हैं, उसके अलावा बॉलीवुड और शादी ब्याह में गजल गीत वगैरह सारे प्रोग्राम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात, और वो हमारी सारी, क्योंकि नए जमाने के साथ नई चीज भी सीखनी बहुत जरूरी है। असल में हम तो जमाने के साथ ही चल रहे, जमाना हमें छोड़ देता है वो एक अलग बात है। समझ रही है? कम तो ये भी नहीं है। हमने पूरी बहुत बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि जमाने के साथ साथ चलें, और भाग दौड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जमाना जो बस वो हमें थोड़ा सा धकेल देता वापस पीछे की तुम्हारी जरूरत नहीं है अभी बाद में आना, तो वो सिस्टम चल रहा है। जो आपका टैलेंट है ना, मुझे लगता है जमाना आपको ढूंढ के निकालेगा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, हमारा जो टैलेंट है, जो काम हमारा है, और जो हमारी, हम इसको रोजी रोटी भी कहेंगे अपनी, तो अल्लाह का शुक्र है, हम इससे बहुत अच्छा, हमें बेनिफिट है, और अल्लाह का एहसान है कि हम पूरी दुनिया में जाते हैं और कंट्रीज में भी जाते हैं हिंदुस्तान के अलावा, और इंडिया गवर्नमेंट हमें बहुत प्रमोट करती है, वो हमें जो हमारी कंट्रीज की एम्बेसीज है वहाँ हमें भेजती है। उसके अलावा बस अल्लाह का एहसान है, हम जो काम करते हैं हम अपने आप में अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। चलो, और बस, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमसे रिलेटेड और जगह, जैसे बॉलीवुड में और दूसरी जगह पे जो कव्वाली से रिलेटेड काम होते हैं, तो वो जो हमारा जो खानदानी काम है उसको आगे रख के हमें बुलाए, खिदमत का मौका दें, तो उसमें और हमें अच्छा लगेगा। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम अच्छा है, बेहतरीन है, जबरदस्त है, अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप सर, हम भी इरशाद साहब आपको वापस ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे गुफ्तगू से जो सुनने वाले लोग हैं वो मुंतजर हैं, बोर ना हो पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे बाद में फोन पर। थैंक यू, थैंक यू नौशाद भाई। और
अब दोनों भाई अब जाते जाते हमें क्या सुनाएंगे? क्या बात है, अच्छा जी इरशाद मिनटा, मुझे ये बताएं कवाली में जैसे हम लोगों के जो गुरुद्वारे में कीर्तन करते हैं उनके सुबह के राग अलग होते हैं, रात के अलग होते हैं, ऐसा कवाली में भी होता है? राग तो वही होते हैं, असल में राग वही होते हैं, तो राग है। राग तो पूरी दुनिया में वही है जो है, उसमें गुरबानी भी होती है, उसमें कवाली भी होती है, उसी में भजन भी होते हैं। लेकिन ये जो इस चीज का जो ध्यान दिया जाता है कि सुबह का राग है और शाम का राग है, इसका कोई खास ध्यान, क्योंकि वो सुनने वाली पब्लिक नहीं होती है, जो गुरबानी जो होती है जो पहले हुआ करती, हाँ वो गुरबानी जो होती है वो एक तरह से वो सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे में गा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वो जो पढ़ने वाले होते हैं वो उनकी तरफ से एक इबादत होती है, तो इस वजह से वो इन सारी चीजों का ध्यान देते हैं। अब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि गाने जब बैठ गए तो पब्लिक को तो मालूम ही नहीं है कि कौन सा कलाम कौन से राग में है या राग क्या होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को समझते हैं, तो जाहिर है वो अपने हिसाब से फरमाइश करते हैं, तो फिर पढ़ना पड़ता है, गाना पड़ता है। ठीक है सर, अपनी मर्जी से so, अभी जो जो आपको दिल करे वो सुनाएं। बिल्कुल ये अभी हमने एल्बम किया था, हालात कुछ इस तरह के रहे कि मार्च में हमें रिलीज करना था उसको, ओके वो नहीं हो सका, लेकिन जो लोग हैं सुनने वाले हमारे जो फैन हैं उनके लिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कवाली सुनना सुन्नत गरीब नवाज है, क्या जब तक गरीब नवाज का नाम ना लिया जाए तो महफिल मुकम्मल होती नहीं है। समाज फरमाइए गरीब नवाज से कलाम और जो हमने रिकॉर्ड किया है।
बहुत अच्छे। मुझे तो लग रहा है कि मैं हर एक महीने में एक बार आपसे ज़रूर ऐसा कोई प्रोग्राम करूं, क्योंकि एक दफ़ा में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। और मेरा फेवरेट म्यूज़िक ही सूफ़ी म्यूज़िक है। मैं जब भी डिस्टर्ब हूं, परेशान हूं, तो मैं कवालियां या रूदारी वाला म्यूज़िक सुनती हूं, तो मैं एकदम से फ़्रेश हो जाती हूं। सो शुक्रिया हमें रब के साथ मिलाने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें खिदमत का मौका दिया और आपने यूएसए में बैठ के कव्वाली को प्रमोट किया, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं लेकिन इन चीज़ों पर कोई ध्यान देता नहीं है। आपने इस चीज़ को प्रमोट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और कुलदीप गिल जी आपका भी और माय टीवी का और जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि सबने ज्वाइन किया, सबने हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर चाहूँगी जो अभी हमें इतने सारे लोग देख रहे हैं कि हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट क्या सुनना पसंद करेंगे, कि आपको अच्छा लगा ये कव्वाली का प्रोग्राम, कैसा लगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम और बेहतरीन से बेहतरीन जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएं। बेहतरीन प्रोग्राम और बेहतरीन आर्टिस्ट, खास करके खानदानी आर्टिस्ट। माई टी वी का गोल ही ये है कि खानदानी आर्टिस्ट, सुरीला संगीत प्रमोट करना हमारा गोल है, बेसुरु को हम आगे नहीं खड़ा होने देते सर। बेसुरों की लाइन लगी है। सो इसी नोट पे हम आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से? आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लाइन है आपकी नजर है कि नहीं, कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए पिंजरों में पानी कौन रखता है, हमें गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, कौन रखता है, ये रेगिस्तान है, चश्मा कहीं से फूट सकता है, शराफत इस सदी में खानदानी कौन रखता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना वक्त दिया और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जो हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है, वो धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। आपने वहाँ इतनी दूर बैठ के इसको प्रमोट किया तो हम आपका फिर से दोबारा एक दफा शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद, खुश रहें, सदा आबाद रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कल वर्टेक्स कंपनी, हमारी इवेंट कंपनी दुबई की, पुष्की नागा साहब जो कि हमारे दुबई के ऑर्गेनाइजर हैं, हम उनके आईडी से भी कल इंशाल्लाह लाइव होंगे। उनको ऑफिशियल पेज है वर्टेक्स दुबई, और जब आप दरगाह पे जाएंगे तो हम दोनों के लिए दुआ जरूर। ठीक है, चलो जी, अलविदा लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपको फिर से लेकर आएंगे बहुत जल्द। अब इजाजत देते हैं माई टीवी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सत श्री अकाल, रब रखा। चलो जी, साढ़े बड़ी खास प्रोग्राम दे विच जिहड़ा कि सानू लग्या कि तुहानू जरूर पसंद आएगा, सो अपनी फीडबैक जरूर देगा और दसना कि कैसा लग्या प्रोग्राम। जिवें साडा गोल है कि कोशिश कर रहे हैं कि पुराना खानदानी सिंगर जित असल संगीत जिथों आया उन्होंने अगे लैके आईए, उन्होंने प्रमोट करिए। सो बहुते लोगों कुछ साढ़े तो गलत किया गया तो माफ़ी चाहते हैं।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੋ ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਟ ਵਾਚ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਥਰਸਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਸਟੇ ਇਨਸਾਈਡ ਗਾਇਸ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਮਾਈ ਟੀ ਵੀ ਸੀ ਯੂ ਐਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਨੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਈ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਵਜਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਬਾਈ ਓਕੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ Ram Ji Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram Ji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramjiastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful, because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. Let's go.